म्यूजिक। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। वाह क्या सीन है। ओके तो दोस्तों आज का जो स्टेटस होने वाला है तो दोस्तों चिल्ड्रंस डे के ऊपर होने वाला है। जैसे दोस्तों हमारे किसी एक भाई ने कमेंट किया था कि चिल्ड्रंस डे के ऊपर वीडियो लाओ भाई, तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है चिल्ड्रंस डे के ऊपर वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही हैप्पी लेवल का वीडियो एडिटिंग लेकर के आ चुका है तुम्हारा भाई। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के स्टेटस कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग कमेंट से हमें मोटिवेशनल मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपने जो अभी प्रीव्यू स्टेटस देखा है तो दोस्तों ऐसा स्टेटस को क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है। तो दोस्तों ऐसा स्टेटस को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है लाइट मोशन, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहाँ से ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो भी फोटो यूज करूँगा तो दोस्तों सारा चीज़ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इजीली, टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरीका से न्यू न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग लाता रहता हूँ, न्यू न्यू इफेक्ट के साथ, न्यू न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा दूसरा सेक इफेक्ट नाम का दो लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मारा उस सेक इफेक्ट को इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों इंपोर्ट करने के लिए आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना, तो दोस्तों ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर चिल्ड्रंस डे स्पेशल सॉन्ग बीट मार मिलेगा और दूसरा सेक इफेक्ट चिल्ड्रंस डे सेक इफेक्ट। दोस्तों आपको सबसे पहले चिल्ड्रंस डे स्पेशल सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं पर कुछ लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। अगर दोस्तों आप वीडियो की स्किप कर देते हो तो दोस्तों आप इस तरीका से चिल्ड्रंस डे स्टेटस को नहीं बना पाओगे, जो आपने प्रीव्यू में देखा है। हो सकता है आपका स्टेटस खराब हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी एंड आसान तरीका से सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस तरीका से यहाँ पर आ जाना है 2.4 पे। दोस्तों आपको यहाँ पर दो लेयर मिल जाएंगे, तो दोस्तों आपको एक लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर में फोटो को रखें। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको उसके नीचे वाले इमेज के लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ। इसी तरीके से आपको यहाँ पर आ जाना स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर। दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस करके जो लेयर बचे हैं तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। इजीली सभी लेयर पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। फोटो को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा, डायरेक्टली एक बार बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको चिल्ड्रंस डे सेक इफेक्ट पर क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ लेयर मिलेंगे, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों इन सभी लेयर को कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट वाले लेयर पर क्लिक करके इस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको कॉपी 8 लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको चिल्ड्रंस डे स्पेशल सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इन सभी लेयर को पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट 8 लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा सभी लेयर अपने अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आपको इस तरीका से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर
फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करने के लिए इस तरीके से आपको फर्स्ट में आना है। दोस्तों आपको लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके, स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ। इसी तरीके से आपको फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके, स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके आगे को आ जाना, नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके, स्टार के ऑप्शन क्लिक करके एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके, स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस करके जो लेयर बचे हैं, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। इजीली सभी लेयर पर फोटो ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आपको सिर्फ फोटो को ऐड करना है। दोस्तों आपका जो स्टेटस है तो बन के रेडी हो जाएगा इजीली, बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। फोटो को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक चिल्ड्रंस डे का PNG है जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये जो ऑप है, तो दोस्तों इसको यहाँ से चालू कर लेना। चालू करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर टैप करके आपको इसको फर्स्ट में ऊपर की ओर रख देना है। तो दोस्तों ये PNG भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा, इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को चिल्ड्रंस डे का वीडियो एडिटिंग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो देखकर वीडियो स्टेटस बना सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आपको कोई भी DJ सॉन्ग पर DJ स्टेटस बनवाना है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों तुम्हारा भाई इसी तरीका से नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।